आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम ब्रू शरणार्थी के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रू समुदाय पूर्वोत्तर भारत में बंजारा समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक जनजातीय समूह है। बंजारा समुदाय के ये लोग झूम खेती किया करते हैं। वैसे तो ब्रू समुदाय के लोग अपने आप को म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी बताते हैं, लेकिन सदियों पहले ये लोग पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम राज्य में आकर बस गए। रहने को तो ये कमोबेश पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में रहते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा संख्या मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है। इतना ही नहीं, ब्रू समुदाय के कुछ लोग तो बांग्लादेश में भी निवास करते हैं। ब्रू समुदाय के इन लोगों को मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वहीं त्रिपुरा में ये एक अलग जाति समूह है, लेकिन त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के लोगों को रियांग नाम से जाना जाता है। हाल में ब्रू समुदाय काफी चर्चा में रहा। दरअसल मिजोरम में विस्थापित ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मिजोरम ब्रू विस्थापित जन फोरम, मिजोरम ब्रू विस्थापित जन समन्वय समिति और ब्रू विस्थापित कल्याण समिति ने संयुक्त आंदोलन समिति ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी JMC के द्वारा त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए सुझाव दिए गए, स्थलों को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि संयुक्त आंदोलन समिति गैर ब्रू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। इतना ही नहीं, इन तीनों संगठनों ने ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए संयुक्त आंदोलन समिति यानी JMC के 4 सदस्यों को निगरानी टीम में हासिल करने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि बीते 23 वर्षों के दौरान मिजोरम के पुनरुत्थान की बात हो या त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के विस्थापित का मुद्दा, इस प्रकार की किसी भी समस्या में इन सदस्यों का कोई योगदान नहीं रहा है। ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि संयुक्त आंदोलन समिति के प्रमुख घटक रहे कंचनपुर नागरिक सुरक्षा मंच और मिजो कन्वेंशन का ब्रू समुदाय के लिए प्रस्तावित स्थलों के चयन में हस्तक्षेप पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि वे न तो किसी प्रकार से भागीदार थे और न ही चार पक्षी समझौते के हस्ताक्षरकर्ता। इसके अलावा उनका कहना है कि संयुक्त आंदोलन समिति ने जो स्थल सुझाया था वह स्थल सड़क और बिजली जैसे सुविधाओं से असंबद्ध होने के साथ साथ अस्पताल स्कूल जैसी अन्य आधारभूत सुविधाओं से भी महरूम नहीं है। गौरतलब है कि 16 जनवरी साल 2020 को केंद्र सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार व ब्रू समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ था। यही चतुर्पक्षीय समझौता है जिसके अनुसार न सिर्फ 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाया जाए, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर राशन, यातायात, अस्पताल, स्कूल आदि की सुविधा प्रदान कर उनके पुनर्वास में सहायता की जाएगी। आपको बता दें कि JMC में बंगाली, मिजो, बौद्ध, बरुआ और अन्य समुदाय के लोग शामिल थे। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में बस इतना ही। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।